आगे इसको खल पहले डालने का नुकसान हो गया, पहले बाद में डालती हूँ मिक्सिंग करके, तो अब इसने दूध नहीं दिया, ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। ये देखिए हम इसको हम रस्सी लगाएंगे और ज़बरदस्ती इससे दूध लेंगे। वैसे तो ये नहीं दे रहे क्योंकि इसको इनकी हैबिट बन जाती है, फिर देखिए घर के दूध देते हैं, पहले इनको हम चारा डालते हैं, दूध उसके बाद दूध निकालते हैं और फिर उसके बाद हम इसको खर डालते हैं ताकि अगली सुबह जो है दूध निकालने के लिए रेडी हो। फ्रंट का यह होंगे अगले पता नहीं लगता सब हमारी जो पहले माशाल्लाह 3 भैंसें थी, एक हमने सेल कर दी, अब ये 7 जो पड़ी है ये दूध नहीं देती है, नए दूध हो गई है, अब यही रह गई है, बड़ी वीक सी है, हम इसकी भी फीडिंग करते हैं, खल भी डालते हैं इसको, हम चारा भी डालते हैं, खुराक अच्छी देते हैं, लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों होगी इतनी वीक है। कुछ जानवर जो होते हैं वो जब दूध देते हैं तो वीक हो जाते हैं, जब दूध देना छोड़ देते हैं तो फिर इनकी सेहत अच्छी हो जाती है, तो शायद इसके साथ भी यही मसला है। तो काफी टाइम हो गया इसको, ये जो कहते हैं इसने बच्चा दिया था, जब बेबी दिया था तकरीबन 7-8 माह हो गए, तो कुछ ये दरमियान में बीमार भी हो गई थी, इसलिए ये दूध जो है थोड़ा ही देती है, अगर नियत से दे दे तो 2 से 3 मिनट लगते हैं इसकी मिल्किंग करते हुए, क्योंकि जो गाय होती है वो थोड़े थोड़े वक्त के बाद दूध देती है, थनों में उतारती है, लेकिन ये जो है एक दफ़े पूरे उसमें अपने हवाने में दूध उतार लेती है, तो फिर बंदा इजीली जो है वो निकाल लेता है। तो लास्ट तो बोल तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।